हमास नेता इस्माइल हानिया के तीन बेटे की इजरायली हमले में मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर उड़ाई कार। हानिया को दोहा में मिली तीन बेटों और तीन पोते पोतियों की मौत की खबर। दोहा में एक अस्पताल में गाजा के घायलों से मिलने पहुंचा था हानिया। हानिया के बेटों की मौत के बाद कहा, गाजा के लोगों ने अपने बच्चों के खून से चुकाई है कीमत, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। सेंट्रल गाजा के जवादा में इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके पर इजरायल ने की बमबारी। इजरायली मिसाइल ने एक मकान को किया टारगेट। धमाके के बाद मकान की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बना गया। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 33,360 फिलिस्तीनियों की मौत, 76,000 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के लिप्सी में एक गांव पर रूस का मिसाइल अटैक, 14 साल के एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत। रूसी हमले में 2 दुकानें हुई तबाह। रूसी सीमा से सटा है पूर्वोत्तर खार्किव का लिप्सी इलाका। यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में हुए रूसी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत। 13 साल का एक बच्चा भी हमले में मारा गया। रूसी मिसाइल अटैक में एक 2 मंजिला इमारत हुई तबाह। फिलहाल हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कजाकिस्तान में बाढ़ से बचाव के लिए उड़ाए जा रहे छोटे छोटे बांध। स्थानीय किसानों ने पानी जमा करने के लिए जगह जगह बनाए बांध। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बांध के टूटने से जमा पानी के कैस्पियन सागर का तरफ से बहने का रास्ता खुला और बाढ़ के जलस्तर में आई कमी। उत्तरी केनिया में बाढ़ के पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस। कई यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर हुए सवार। स्थानीय प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे 51 यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तेज तूफान ने मचाई तबाही। ह्यूस्टन में बारिश और तूफान की वजह से कई मकान और दुकान तबाह। रूस में अंगारा A5 रॉकेट के प्रक्षेपण की दूसरी कोशिश भी नाकाम। वोस्तोचन स्पेस पोर्ट से रॉकेट का लॉन्च तय समय से ठीक 2 मिनट पहले किया गया रद्द। भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट के ऑक्सीडाइजर टैंक की दबाव प्रणाली में आई खराबी। रॉकेट का लॉन्च कम से कम 1 दिन के लिए टाला गया। हांगकांग में एक आवासीय इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोगों की मौत, करीब 36 लोग हुए घायल। दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के तट पर बड़ा हादसा। फिशिंग बोट और मालावाहक जहाज के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 लापता। पेरिस के आइफल टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंची एथलीट। रस्सी के सहारे के सफर। एथलीट ने कहा, सालों की मेहनत के बाद मिली कामयाबी।